आई एम आस्था, आई एम टीच यू मेंसुरल साइकिल चैप्टर ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमंस, जितना भी रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में होता है, जैसे कि मंकी हो गया, एप्स हो गया, ह्यूमन हो गया। इसमें दो टर्म है, एक टर्म हो गया मेनोपोज, दूसरा हो गया मिनार्च। मेनोपोज मतलब लास्ट मेंसुरेशन और मिनार्च मतलब फर्स्ट मेंसुरेशन। साइकिल रिपीटेड एट इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 days। ये जो साइकिल होता है ये इंटरवल रिपीट होता है 28 or 29 days में। ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग मिडिल ऑफ मेंसुरल साइकिल। इसमें जो ओवम होता है ये हमेशा रिलीज होता है मिड में। मेंसुरल साइकिल हैज़ 3 phases। इसका 3 phase होता है। सबसे पहला होता है मेंसुरल फेज, जिसको हम लोग ब्लीडिंग फेज बोलते हैं। सेकेंड होता है फॉलिकुलर फेज, थर्ड होता है ल्यूटियल फेज। पहला होता है मेंसुरल फेज, इसमें क्या होता है 40 ml ब्लड जो होता है ब्लीडिंग होता है। कितने डेज में? 3 to 5 days में। ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम, किसके ब्रेकडाउन से? इंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन। इंडोमेट्रियम किसका लाइनिंग है? यूट्रस का लाइनिंग है। इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स भी फ्लो होता है। ये किस फॉर्म में फ्लो होता है? तो लिक्विड के फॉर्म में, नॉट क्लॉट, सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में। कहाँ से? कम्स आउट थ्रू वेजाइना। अकर्स ओनली इफ रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। मेंसुरल फेज तभी अकर होता है जब जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। अगर ये फर्टिलाइज हो गया, इफ फर्टिलाइज, इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब क्या इंडिकेट ये करता है कि प्रेगनेंसी हो चुका है। कैन बी डिफ्यूज्ड बाई कम्बिनेशन ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये डिफ्यूज्ड किया जाता है किसके कम्बिनेशन से? इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के डिफ्यूजन से। लैक ऑफ मेंसुरेशन कैन बी ड्यू टू स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। अगर लैक ऑफ मेंसुरेशन हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? स्ट्रेस के कारण या तो पुअर हेल्थ के कारण हो रहा है। फिर सेकेंड आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब प्राइमरी फॉलिकुल कन्वर्ट हो रहा है ग्राफिन फॉलिकल्स में। इसमें क्या होता है? इंडोमेट्रियम रीजनरेट थ्रू प्रोलीफ्रिकेशन। इसमें क्या हुआ? मेंसुरेशन फेज में इंडोमेट्रियम टूटा, इसमें क्या हुआ? फिर से इंडोमेट्रियम बन रहा है दूसरे साइकिल के लिए, प्रिपेयर वो हो रहा है। इसमें क्या होता है? GnRH, FSH, LH जो है ये इंक्रीज होता है, इसका सिक्रेशन जो होता है इंक्रीज हो जाता है। स्टिमुलेशन फॉलिकुलर डेवलपमेंट एज वेल एज सिक्रेशन ऑफ इस्ट्रोजन। LH, FSH अटेंड मैक्सिमम पीक एट द 14th days। जो LH और FSH होता है ये क्या करता है? इवोल्यूशन करता है। इसके कारण इसका पीक हो जाता है 14th days में, मतलब मिडिल ऑफ साइकिल में। ग्राफिन फॉलिकल्स एक्ट एज इंडोक्राइन ग्लैंड्स आफ्टर इवोल्यूशन। जबकि जब ग्राफिन जो फॉलिकल्स होता है इवोल्यूशन के बाद, मतलब उसके बाद क्या होता है कि ग्राफिन फॉलिकल्स होता है किसके जैसे एक्ट करने लगता है? तो इंडोक्राइन के ग्लैंड की तरह एक्ट करने लगेगा। सबसे लास्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो किस में चेंज हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटम में वो चेंज हो जाता है। वो भी क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्प्रोरी इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन और ये जो मेंटेन करता है किसको? प्रेगनेंसी को, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग बनाता है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये क्या हो गया? ये डिजेनरेट हो गया, फिर इंडोमेट्रियम का लाइनिंग को डिजेनरेट करने लगा, मेंसुरेशन हो गया और इसके कारण प्रोजेस्टेरॉन का विथड्रॉ हो गया। नोट है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंसुरल साइकिल स्टॉप, हैज नो मेंसुरेशन। जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो जितना भी मेंसुरेशन साइकिल उसका जो इवेंट्स है सब क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, हैंड्स नो मेंसुरेशन। साइक्लिक मेंसुरेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल पुअर हेल्थ। अगर साइक्लिक मेंसुरेशन सही से चल रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये नॉर्मल हेल्थ है।